हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो सागर के फ्रेश नए वीडियो में। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू कोर्स की प्लेलिस्ट जो होगी बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में। ये एक छोटा सा कोर्स रहेगा जिसमें एजुकेशनल वीडियो रहेंगे जो कि बाइनेंस एक्सचेंज के हर छोटे बड़े फीचर के बारे में बताएगा। शॉर्ट वीडियोज रहने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न अबाउट द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड बाइनेंस। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है बाइनेंस का एक फीचर है ऑटो इन्वेस्ट। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और लॉगिन करते हैं बाइनेंस में। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, हमने बाइनेंस अकाउंट में लॉगिन कर लिया है अपने। बेसिकली हम बात कर रहे हैं अभी अर्न सेक्शन के बारे में। यहाँ पे अर्न मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक नया फीचर आया है ऑटो इन्वेस्ट का। ऑटो इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ये है क्या, बाइनेंस ने एक ऑटो इन्वेस्ट प्लान बनाया है। जैसे कि हम बात करते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एक SIP चलती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो एज सच कोई SIP सिस्टम हमारे पास नहीं था, बट बाइनेंस ने एक नया अपना फीचर निकाला है ऑटो इन्वेस्ट प्लान का जो कि SIP की तरह वर्क कर सकता है आपके लिए। कैसे कर सकता है मैं बताता हूँ आपको। यह ऑप्शन है क्रिएट योर ऑटो इन्वेस्ट प्लान कि ऑटोमेटिक आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। सपोज़ कीजिए कि आपको पता है कि भाई मुझे इथेरियम के अंदर रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे सोलाना में करनी है, मुझे ADA में करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको USDT या फिर जिससे भी परचेज करना है वो अपने वॉलेट में रखना है, ठीक है। हर मंथ आपको अपने वॉलेट में ऐड रखना है। होना क्या है, आपको सिर्फ अपना USDT बाय करना है हर महीने। और होगा क्या, आप जैसे BTC पे जाएंगे या इथेरियम पे जाएंगे, या सपोज़ मैं ADA पे जाता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ क्रिएट प्लान का ऑप्शन आ रहा है इनके आगे, और यहाँ दिखा रहा है हिस्टोरिकल ROI की। हिस्टोरिकल ROI का मतलब है कि हिस्ट्री देखी जाए तो इसने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने के ऑटो इन्वेस्ट का फीचर यूज़ किया होता किसी ने तो 3 साल में इतना रिटर्न है। 1 साल में -32 हो गया है, लेकिन 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 993% का रिटर्न ADA ने दिया है। सोलाना ने 1321% का दिया है, इथेरियम ने 755% का रिटर्न दिया है। 3 साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो मुझे, जैसे कि मैं आप बिलीव करता हूँ डॉट कॉइन में, कि मुझे भाई डॉट कॉइन चाहिए चाहिए, मैं हर महीने कुछ पैसा डालूं तो मेरे को उसका कुछ परसेंट मेरा डॉट में जाना चाहिए, कुछ मेरा ADA में जाना चाहिए, कुछ सोलाना में जाना चाहिए, और हर महीने मेरे को वापस बार बार ना डालना पड़े। बस मैं अपना फंड्स डालूं अपने बाइनेंस अकाउंट में और वहां से ऑटोमेटिकली हर महीने कटता जाए। तो उसके लिए ये फीचर आया है। सपोज़ कीजिए मैं बोलता हूँ भाई सोलाना का करना है मुझे, सोलाना में जाऊँगा और मैं बोलूँगा भाई डेली का, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेली, वीकली, बाई वीकली एंड मंथली। बाई वीकली मीन्स हफ्ते में 2 बार, हफ्ते के बीच में आएगा और एक हफ्ते के एंड में आएगा, मंथली आएगा। तो हम करेंगे मंथली प्लान है USDT, हम बोलेंगे भाई USDT से या BUSD जो भी आपके पास करवाना चाहो, आपको जो बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। मैं USDT प्रेफर करता हूँ। मैं बोलूँगा भाई मिनिमम 10 USDT हर महीने आपको लगाने हैं मंथली, डेट ऑफ द मंथ ले लो, जो भी आपको डालनी है आपके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट हो आपको उसमें डेट डालनी है कि भाई हर महीने मेरे को $10 या $5 सोलाना में डालने हैं। लोकल टाइम मेरा अपने लोकल टाइम ही लेगा, हमारे टाइम के हिसाब से जो भी है यहाँ पर डालो इस टाइम पे, वो आपके अकाउंट से कटेगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा कंफर्म करते हैं हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा, तो हर मंथली उस डेट पे जाके ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूंगा यूज़ फ्लेक्सिबल सेविंग्स बैलेंस, फ्लेक्सिबल सेविंग्स बैलेंस क्या है, फ्लेक्सिबल सेविंग्स बैलेंस वो है जो मैंने फ्लेक्सिबल सेविंग्स में डाल रखा होगा थोड़ा इंटरेस्ट प्रोक्योर करने के लिए, वो भी यूज़ करने का ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो भी कर सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी ऑन रख सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट आपके अकाउंट में USDT होना वाजिब है। आपको हर महीने अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आप हर महीने जाके सिर्फ आपको USDT बाय करना है बाइनेंस एक्सचेंज पे एंड वो ऑटोमेटिकली फिर सोलाना खरीदता रहेगा, कंफर्म करते ही वो कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, और कॉइन्स का एक प्लान बना देना है। मैं बोल दूंगा भाई मेरे को सोलाना का बना दिया एक प्लान, ADA का बना दिया और एक प्लान मैंने डॉट का बना दिया। इसी तरीके से वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कीजिए, अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, डेट डालिए, टाइम डालिए एंड कन्फर्म प्लान हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होने वाला है, आप एक पोर्टफोलियो बना लेंगे अपने प्लान्स का सिस्टमेटिक, जो कि आपका हर महीने एक डेट पे आपके लिए परचेज हो जाया करेंगे जो भी रेट उसका चल रहा होगा मार्केट में। सो दिस वाज द होल फीचर ऑफ बाइनेंस एक्सचेंज दैट इज कॉल्ड ऑटो इन्वेस्ट। ऑटो इन्वेस्ट को यूज़ करके आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हर महीने कर सकते हैं। इधर आप
USDT हर महीने खरीदिए, या फिर आप USDT बल्क में लेके रखिए अपने वॉलेट के अंदर, और उससे आपका हर महीने ये रेकरिंग बेसिस पे हर महीने SIP की तरह आपका इन्वेस्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। सो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपको, ऑटो इन्वेस्ट का फीचर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या काम करता है, क्यों काम करता है। ये बेसिकली SIP का एक हमारे लिए ऑप्शन है, बाइनेंस एक्सचेंज पे क्रिप्टो में SIP करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो दैट इज़ अवेलेबल एंड पॉसिबल ऑन बाइनेंस एक्सचेंज टू मेक अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन योर क्रिप्टो करेंसीज दैट यू फील आर वेरी स्ट्रांग इन द फ्यूचर। ठीक है, अभी करंट ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके अंदर, ये बहुत पॉपुलर जो कॉइन्स हैं उन्हीं के साथ आ रहा है, ये सारे आपको बता दूँ सारे कॉइन्स के ऊपर नहीं आया है। ये आप देख सकते हैं जो लिस्ट ऑफ कॉइन्स है, सिर्फ इन्हीं के अंदर आप कर सकते हैं इसको इन्वेस्टमेंट प्लान जो कर सकते हैं ऑटो इन्वेस्ट की, क्योंकि ये ही बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स हैं लॉन्ग टर्म से, इसीलिए बाइनेंस ने अभी इन्हीं में ऑप्शन दिया और हमें करना भी नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली मैं भी जो करूँगा, मैं भी करता हूँ, वो मैं कुछ सिलेक्टेड कॉइन्स में ही करता हूँ, 2 से 3 कॉइन में मैं बिलीव जिनमें करता हूँ, मैं उनमें रेगुलर रेकरिंग इन्वेस्टमेंट करता हूँ सिस्टमेटिकली हर महीने मंथली बेसिस पे। और मंथली प्लानिंग कहते हैं लॉन्ग टर्म पे सही रहती है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी रहती है कि आपको हर महीने हर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा बाय करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रिप्टो रिसर्च के साथ क्रिप्टो स्टार के फ्रेश नए वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए आप सब अपना, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच, पीस आउट।